दहशत की वड्डी साजिश नाकाम वाली वड्डी खबर का नाम। हरियाणा ते पंजाब पुलिस के सांझे ऑपरेशन दौरान चार दहशतगर्दा नूं धमाका खेज समगरी नाल करनाल तो गिरफ्तार किया गया। यह धमाका खेज समगरी फिरोजपुर तो तेलंगाना के आदिलाबाद पहुंचाई जानी सी। इस कंसाइनमेंट का मास्टर माइंड पाकिस्तान च बैठे रविंदर सिंह रिंदा नूं दस्सिया जा रहा है। करनाल पुलिस ने अज वड्डी कामयाबी मिली है। पंजाब के फिरोजपुर तो चार जड़े नौजवान सन आर डी दे नाल उतों चले सन ते चलते चलते पंजाब क्रॉस करदे अंबाला क्रॉस करदे करदे ते करनाल पहुँचे। करनाल दे जड़ा बस्ताड़ा टोल प्लाजा ते पहुँचे सन ते उतों ही पंजाब पुलिस वालों हरियाणा पुलिस नूं इनपुट मिलना शुरू हो गया सी। बम निरोधक दस्ते ते रोबोट दे जरिए धमाके के इस समगरी की जांच कर रहे सुरक्षा मुलाजम चिट्टे रंग की गड्डी विच लुकया कारतूसा। करनाल तो जो ये तस्वीर सामने आई तो साफ सी कि किसी वड्डी साजिश नूं अंजाम देने की तैयारी सी। जल्द ही साजिश के उन्होंने करिंदियां दी तस्वीर भी सामने आई। पंजाब ते हरियाणा पुलिस ने सांझा ऑपरेशन किया। पुलिस ने करनाल नैशनल हाईवे तो चार मुलजमान नूं गिरफ्तार किया। चारा विचों तीन फिरोजपुर अते एक लुधियाना का रहने वाला दस्या जा रहा है। पुलिस नू गड्डी दे विचों तीन आईईडी एक देसी पिस्तौल 31 कारतूसा अते 1,30,000 कैश बरामद होया है। चार आतंकवादी पकड़े गए, तलाशी लेने पर उनके पास से तीन आईईडी एक देसी पिस्तौल 31 जिंदा कारतूस 1,30,000 रुपये नगद और 6 मोबाइल फोन पकड़े गए। जिन्हां चार मुलजमान नूं फड़िया गया है उन्हां दा नाम गुरप्रीत अमनदीप परविंदर अते भुपिंदर दस्या जा रहा है जो कि पाकिस्तान विच बैठे दहशतगर्द हरविंदर रिंदा दे संपर्क विच सन। रिंदा ने मोबाइल ऐप दे जरिए ही गिरफ्तार गुरप्रीत नूं फिरोजपुर दे विच हथियारां दी लोकेशन भेजी सी। गिरफ्तार गुरप्रीत दे दोस्त आकाशदीप दे रिश्तेदार दे खेत भारत पाकिस्तान सरहद के नज़दीक ने। उन्होंने खेतों में ही ड्रोन के जरिए धमाके खेज समगरी की सप्लाई की गई। चारा ने धमाके खेज समगरी को तेलंगाना पहुँचा सी पर इस तो पहला करनाल पुलिस की गिरफ्त में चढ़ गए। आरोपियों को इन विस्फोटक पदार्थों की आपूर्ति पाकिस्तान स्थित हरविंदर सिंह रिंदा ने ड्रोन के जरिए की थी और उन्हें इसको आदिलाबाद जो कि तेलंगाना में है वहां पर पहुंचवाना था। हरियाणा पुलिस ने बहुत सफलतापूर्वक कार्रवाई की है। पंजाब पुलिस भी मौके पर पहुंच चुकी है और जांच में जुट चुकी है। जिन्हां चारों को गिरफ्तार किया गया है उन्हां विचों गुरप्रीत पहला भी जेल यात्रा कई बार कर चुके हैं जिथे उसकी मुलाकात राजवीर नाल हुई सी। राजवीर दी हरविंदर रिंदा दी पुरानी पहचान सी। राजवीर ने ही गुरप्रीत दी पहचान करवाई सी। 9 महीने तो दोवें संपर्क विच सन। इस तो पहला भी मुलजमा कंसाइनमेंट पहुंचा चुके सन। टीमें वह भी इतने पहुंची सी तो उन्होंने जांच की। जांच तो बाद चार नौजवानों का इतने मेडिकल करवाने ही कोर्ट के पेश किया गया। कोर्ट ने उन्होंने 10 दिन के पुलिस रिमांड से भेज दिता है। करनाल तो कैमरामैन अश्वनी के नाल कमरजीत सिंह विरक जी मीडिया। करनाल दे विच पुलिस ने जिन्ना चार दहशतगर्दां नूं गिरफ्तार किया उन्हां दे विचों तीन फिरोजपुर दे रहण वाले सन। जी मीडिया की टीम गिरफ्तार अमनदीप दे घर पहुंच जिथे पता चलिया कि उसनूं घर तों बेदखल कर दिता गया सी। अज करनाल पुलिस वालों फड़े गए चार लोगों के विचों तीन जिहड़े है फिरोजपुर के बंजूगे पिंड के रहने वाले है। ये जिहड़ा घर है इस टाइम एक जिहड़ा उन्हां दे विचों आरोपी है अमनदीप सिंह उसका घर है वो जिहड़ा इत्थे पिंड का वासी दस्सिया गया है। ये घर अमनदीप का है इत्थे है कि जिहड़ा इत्थों के पिंड वाले कह रहे हैं उन्होंने बाइक में जो कह सी वो टैक्सी का काम करते सी जिहड़ी इनोवा गड्डी के विचों हथियार ते विस्फोटक बरामद होया वह भी इन्हां दी है और काफ़ी लंबे समय तो जिहड़ा है इत्थे टैक्सी चला रहे सी ते जिहड़ा इन्हां दा ब्रदर छोटा वाला नाल फड़िया गया उसनूं घरदिआं ने बेदखल कीता है। नहीं सर कुछ कह सकते कुछ नहीं अमनदीप जिहड़ा उहदा इत्थे टैक्सी चलाउंदा टैक्सी चलाउंदा इत्थे
बेदखल किया काफी लंबे समय क्योंकि उनका पिछला अपराध भी रिकॉर्ड है और जेल की सजा भी कट चुका है लेकिन यह जरा है इतने टैक्स चलाता सी इन्हों की वाइफ जी इतने किसी नर्सिंग होम के एज ए नर्स लगे हुए हैं उन्होंने कहा सानू अज तक कुछ नहीं पता कि टैक्स चलाते सके मैं अपनी ड्यूटी चली जाते वो अपनी गड्डी लेके चले जाते अज जो वाकया होया इसका सानू नहीं पता क्योंकि गड्डी लेके कई भी अगे भी बाहर जाते दो तीन तीन दिन नहीं मुड़ते सके क्योंकि सवारियों का काम सगा अज तक जो वाकया अभी खबर सूँ पता लगा कि जोड़ा है उत्थे हथियारों के समेत जोड़ा है फड़े गए हैं ये जोड़ा है उन्होंने सिर घर है पिंड वाले कह रहे थे काफ़ी लंबे समय तो इतने कह रहा है हसमुख सगा मिलन सार सुभाव का सी पिंड इस तरह की कभी कोई गल नहीं हुई सी लेकिन अज एक खबर देख के जोड़ा असी भी परेशान हो गए हैं कि यह की होया भी इस मुंडे आपकी टैक्स चलाता वधिया काम करता सी और अज जोड़ा है हथियारा समेत जोड़ा है गिरफ्तार हो गया कहना पसंद राजेश कटारिया जी मीडिया फिर करनाल दे विच जिन्ना चार दहशतगर्दां नूं धमाका खेज समगरी नाल गिरफ्तार किया गया है उन्हां दा मास्टरमाइंड पाकिस्तान दे विच बैठा हरविंदर सिंह रिंदा दस्सिया जा रहा है आखिर कौन है हरविंदर रिंदा की सी उसका मकसद अते किवें उसका नाम पुलिस की मोस्ट वॉन्टेड लिस्ट दे विच जुड़िया इस रिपोर्ट जरिए जानने की कोशिश करते हैं विस्फोटक समगरी नाल फड़े गए जिहड़े चार हैंडलर सी उह हरविंदर सिंह रिंदा दे सी हरविंदर सिंह रिंदा इस वेले पाकिस्तान च मौजूद है एजेंसियां दे मुताबिक तरन तारण का रहने वाला है जिन्हें पहला जड़ा कतल 18 साल की उम्र च किया सी अपने ही रिश्तेदार का एक जमीनी विवाद नूं लैके हरियाणा पुलिस ने दहशत की जिस कार नूं फड़िया उसका असली मास्टर माइंड पाकिस्तान विच बैठा है जिसका नाम हरविंदर रिंदा है हरविंदर रिंदा वह शख्स है जिसने कार भी धमाके के समगरी नाल चार नौजवानों नूं तेलगाना भेजना सी हरविंदर का पिछोकड़ शुरू तो ही अपराधिक है उसके नवांशहर के CIA दफ्तर से हमले का भी इल्जाम है सिर्फ इन्ना ही नहीं रिंदा के पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी ISI नाल भी तारा जुड़दियां ने तरन तारण का रहने वाला रिंदा 11 साल की उम्र में ही नांदेड़ चला गया 18 साल की उम्र में रिंदा अपने रिश्तेदार का कतल करके फरार हो गया सी महाराष्ट्र पुलिस के दबाव करके उसनू पंजाब भेज दिता गया 2016 हरविंदर रिंदा ने पंजाब यूनिवर्सिटी में विद्यार्थी संघ की चोन लड़ी उसके कतल अते जबरन वसूली के कई परचे दर्ज हुए यूनिवर्सिटी विच यह दिलप्रीत बाबा दे संपर्क विच आया 2018 विच पंजाबी गायक परमीश वर्मा ते हुए हमले तो बाद रिंदा ते दिलप्रीत बाबा वख हो गए सन गैर इरादतन हत्या कतल दे नाल नाल आम जगत दे कई परचे उते दर्ज ने तरनतारण तो मनीष शर्मा जी मीडिया